अभिषेक या एल्विश? मैं चूज ही नहीं कर सकती उन दोनों के बीच में, बहुत टफ है दोनों. आई एम ग्लैड कि वो इसने रिवील किया. शुरुआत वहीं से हुई थी हमारी, हम दोनों स्टेज पे आए थे एंड देन एंड कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ. क्या आप एल्विश को डेट करना पसंद करेंगे? डेट पागल है क्या? किस किस को डेट करूं मैं? किस किस से एंगल लगाओगे मेरा? बहुत सारी चीजें मुझे पता चल रही है. तो मुझे अभी अभी पता चला कि नेशनल क्रश बोल रहे हैं मुझे. बहुत बड़ी बात है. तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, वैसे ब्लश कर सकती हूँ. एल्विश की तो आई थिंक इट इज अ, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, लोगों के लिए भी. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एल्विश के साथ मेरा कोई बॉन्ड बनेगा बाद में. लेकिन टुवर्ड्स द एंड जैसे मैं उन्हें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने जाना, आई थिंक ही इज अ प्योर सोल. यू नो, वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्वीट है और बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है. और हमारी बातें बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि वो 24 साल का है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी है. जब मैंने उससे वन ऑन वन बात की, एल्विश का सिस्टम, उसको बाहर लोग बोल रहे हैं सिस्टम ने हिला डाला, ये वो जो भी है, मैं हाँ लोगों का सिस्टम हिल गया है या जो भी है. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उसका सिस्टम मेरे लिए एकदम छोटा सा दिल है यार, जो बहुत ही, वो बाहर वो कोकोनट की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से एकदम. अभिषेक और एल्विश की लड़ाई की क्या लड़ रहे हो लोग घर के अंदर? वो लोग एक दूसरे को दिल से भाई मानते हैं, तो अगर वहाँ पे झगड़ा कुछ हो रहा है तो उसको इतना सीरियसली मत लो. एंड ऑफ द डे जो वर्दी है वो जीतेगा और बाहर आके आई एम श्योर उनका भाईचारा स्ट्रांग रहे. घर के अंदर जो एंगल चल रहा था अभिषेक के साथ, क्या वो घर के बाहर भी देखने को मिलेगा? कौन सा एंगल चल रहा था? जो नजदीकी हो रही थी, जो स्वीट एंगल नजर आ रहा. नो, आई सेड दैट ही इज स्पेशल फॉर मी. वो अंदर मैंने कहा था, मैं बाहर आके भी यही कहूंगी. डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीजें पता चली है और कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबसे, मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता. मुझे बहुत बुरा लगता है यार, इंसान हूँ मैं. तो बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो मेरे पीठ पीछे हो रही थी. आई फील बैड अबाउट दैट बट देन नो हार्ड फीलिंग्स. एंड देन आई नो अभिषेक को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हर जगह से, तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है. मुझे कुछ ऐसा रखना नहीं है अपने दिमाग में. मैं उसी फीलिंग के साथ रहना चाहती हूँ जिस फीलिंग के साथ मैं अंदर थी, स्पेशली अभिषेक के लिए. और बाहर आके भी मुझे वही फीलिंग रखनी है अपने अंदर. मैंने जेन्युइनली सोचा नहीं था मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगी. आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, पूरा रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए इन ट्रू वर्ड्स. लेकिन तो या आई थिंक इट वॉज गुड. आई अभी तक बाहर आई हूँ तो ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. कुछ पता नहीं, अजीब सा ही फील है ये. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या फील हो रहा है ऐसे इतने सारे लोग देख के, ऐसा ट्रैफिक देख के. कल रात को बाहर निकली थी तो ऐसे ट्रैफिक, लोग सब देख के मैं थोड़ी सी, थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा था. बट नंदलेस आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं अपने फैमिली को मिली. जब जो 25 मिनट वाला टास्क था उस पर आप काफी इमोशनल हुई उस पर, तो क्या कहना चाहोगे? और पूजा भट्ट ने जिस तरह से आपको इंटीमेट किया इनसाइड द हाउस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेल, बहुत सारी चीज़ें हुई है अंदर और मेरे पीठ पीछे भी जो मुझे पता चली अब बाहर आने के बाद. कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर भी वो फील था कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी मेरे बारे में, मैं इतनी फेवरेट थी सबकी ये तो मुझे पता ही नहीं था, बाहर आके पता चला. बट ठीक है, अब बाहर आ गई हूँ तो मुझे ऐसे किसी से कुछ भी कुछ है नहीं दिल में सिवाय प्यार के. तो बस वही. सो मिडवीक इविक्शन था, उसके अंदर कितना हर्ट हुआ, और जो कि अभिषेक ने ही रिवील किया था. तो कितना ज्यादा लाइक नर्वस थे, कितना शॉक था, क्योंकि अभी जिया तो चल ही रहा था सब जगह. अभिया, हाँ अभिया. आई एम ग्लैड कि वो उसने रिवील किया.
शुरुआत वहीं से हुई थी हमारी, हम दोनों स्टेज पे आए थे एंड देन एंड कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ. बट वैसे एज इन वैसे नहीं कि हम दोनों टॉप टू में थे, लेकिन ठीक है उसकी तरफ से वो एक गुड बाय था. वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था. मेरी जर्नी इतनी रही है, आई एम जस्ट ग्लैड कि आई लेफ्ट ऑन अ वेरी गुड नोट आई फील. और जब बाहर आके देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे समझा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा, मेरी तरह सोचा, मुझे जो कुछ भी मैं अंदर कर रही थी उसे समझा, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड. मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने कह रही था शी इज सच अ प्योर सोल. तो या आई एम जस्ट आई फील गुड अबाउट दैट. आपके बारे में, आपके बारे में नेशनल क्रश आपका कही जा रही है, क्या कहना चाहिए? अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है, तो मुझे अभी अभी पता चला कि नेशनल क्रश बोल रहे हैं मुझे. बहुत बड़ी बात है. तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ ब्लश कर सकती हूँ. घर के अंदर जो एंगल चल रहा था अभिषेक के साथ, क्या वो घर के बाहर भी देखने को मिलेगा? कौन सा एंगल चल रहा था? जो नज़दीकियाँ हो रही थी, जो स्वीट एंगल नज़र आ रहा था. नो, आई सेड दैट ही इज स्पेशल फॉर मी. वो अंदर मैंने कहा था, मैं बाहर आके भी यही कहूँगी. डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है और कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू लाइ कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबसे मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता. मुझे बहुत बुरा लगता है यार, इंसान हूँ मैं. तो बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो मेरे पीठ पीछे हो रही थी. आई फील बैड अबाउट दैट, बट देन नो हार्ड फीलिंग्स. एंड देन आई नो अभिषेक को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हर जगह से, तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है. मुझे कुछ ऐसा रखना नहीं है अपने दिमाग में, मैं उसी फीलिंग के साथ रहना चाहती हूँ जिस फीलिंग के साथ मैं अंदर थी स्पेशली अभिषेक के लिए. और बाहर आके भी मुझे वही फीलिंग रखनी है अपने अंदर. सिस्टम के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके सिस्टम सिस्टम एड ऑन करते हैं, अभिषेक या फिर एल्विश? अभिषेक या एल्विश? yes. मैं चूज ही नहीं कर सकती उन दोनों के बीच में, बहुत टफ है. दोनों बहुत ही डिजर्विंग, कंफर्टेबल भी हुए. एल्विश के साथ आप बैठे, बातचीत की आपने, और बाद में आपने अभिषेक को भी समझाया कि अभिषेक भी बोला कि विश्वास नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहोगे? सब लोगों ने आपको विलन बना दिया था घर के अंदर. कोशिश बहुत होने की मुझे विलन बनाने की, बट ऐसा हुआ नहीं. सॉरी गाइस, तुम लोग नाकामयाब रहे इसमें. बट हाँ, तो इट इज़ वॉट इट इज़. मैंने हमेशा कहा, जैसे मैंने ऐसे जिस तरीके से मेरी बैक बिचिंग हो रही थी वैसे मैंने नहीं की है किसी की. और रही बात एल्विश की, तो आई थिंक इट इज़ अ, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, लोगों के लिए भी. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एल्विश के साथ मेरा कोई बॉन्ड बनेगा बाद में. लेकिन टूवर्ड्स द एंड जैसे मैं उन्हें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग मैंने जाना, आई थिंक ही इज़ अ प्योर सोल. यू नो, वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्वीट है और बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है. और हमारी बातें बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि वो 24 साल का है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी है. जब मैंने उससे वन ऑन वन बात की और हमारा जो एंड एंड में बॉन्ड बन रहा था, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी वेरी स्पेशल. सो अभिषेक और एल्विश की लड़ाई भी देखने को मिल रही है घर में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? और एक और क्वेश्चन है कि एल्विश के सिस्टम के बारे में दो शब्द आप क्या कहना चाहोगे? दो शब्द एल्विश का सिस्टम, उसको बाहर लोग बोल रहे हैं और सिस्टम ने हिला डाला, ये वो जो भी है, मैं हाँ लोगों का सिस्टम हिल गया है या जो भी है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उसका सिस्टम मेरे लिए एकदम छोटा सा दिल है यार, जो बहुत ही, वो बाहर वो कोकोनट की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से एकदम. लेकिन क्या आप एल्विश को डेट करना पसंद करेंगे? डेट पागल है क्या? बाहर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं यार, किस किस को डेट करो, मैं किस किस से एंगल लगाओगे मेरा भाई? अभिषेक और एल्विश की लड़ाई की, लड़ाई की क्या लड़ रहे हो लोग घर के अंदर? उनकी थोड़ी बहस हो गई थी क्योंकि अभिषेक ने अपनी मॉम को ये कहा था कि जो वाइट कार्ड में आते हैं. नहीं, तभी तो वो लोग लड़े नहीं थे. ठीक है, ऐसे हेल्दी वे. अच्छा, मेरे बाहर आने के बाद लड़ रहे,
ठीक है यार कोई बात नहीं, वो तो गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है, तो आई डोंट थिंक ये ऐसे इतना सीरियसली बाहर के लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई नो कि वो लोग एक दूसरे को दिल से भाई मानते हैं, तो अगर वहाँ पे झगड़ा कुछ हो रहा है तो उसको इतना सीरियसली मत लो, एंड ऑफ द डे जो वर्दी है वो जीतेगा, और बाहर आके आई एम श्योर उनका भाईचारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको न्यू नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे लुक सेंटर में सेंटर काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, न्यू क्रश ऑफ इंडिया आज ये काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, न्यू क्रश ऑफ इंडिया, न्यू क्रश ऑफ इंडिया ट्रेंड हो रहा है, यू आर द न्यू क्रश। ओ माय गॉड, जय जी, यहां देखिए ना, जय जी, नहीं देख सामने देखिए जय जी, एमएम पे चलते हैं बाइक करें, चलो टेबल लगा, चलो।